बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेम फूड। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था कि गजरेला बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। गजरेला के लिए मैंने सबसे पहले 2 लीटर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है। उसके बाद मैंने चावल लिए थे, 3 टेबलस्पून के करीब चावल थे, मैंने उनको पानी में भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद इनको किसी भी ग्राइंडर में डाल के दरदरा सा पीस लें, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा दरदरा सा पीस के जब दूध उबल जाए तो आपने चावल इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ साथ चमचा हिलाते जाना है। कोशिश करें कि स्टील का बर्तन यूज़ करें और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आप देखें चावल अच्छे से थोड़ा सा पक जाए चावल, तो इसके अंदर गाजर डालनी है। ये गाजर मैंने डाल दी, ऑलमोस्ट 3 कप के करीब मैंने गाजर डाली है। आप चाहे तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, पर 3 कप का जो है वो ठीक रहता है। 3 से 4 इलायची इसमें काट के डाल दें, तोड़ के डाल दें। इसको बहुत अच्छे से पकाना है। जब गजरेला बनाते हैं तो दूध को गाढ़ा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप साथ साथ चमचा इसका हिलाते रहें ताकि नीचे से कोई चीज़ लगे ना। अब ये मेरे पास खोया है, 1 कप के करीब खोया है, ये डाल दें। ये होममेड खोया है मेरा, अब यहाँ बाज़ार में मुश्किल से ही मिलता है, तो मैंने घर पे ही बनाया था। 1 कप खोया डाल दें। जैसे ही आप खोया डालेंगे तो थोड़ी देर में ही ये जो गजरेला है आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बिना खोए के इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाढ़ा होने में, तो मैंने खोया डाला तो साथ ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 कप के करीब जो टिन होता है क्रीम का या पैकेट कुछ भी आपके पास, आपने वो इसके अंदर ऐड करना है। क्रीम डालने से ये बहुत ही क्रीमी और बहुत अच्छा फ्लेवर इसका होता है। उसके बाद इसको अच्छे से पकाना है आपने। जब ये बिल्कुल आपको लगे कि नहीं अब ये तैयार है, गाढ़ा हो गया, तो इसके अंदर एक पूरा जो टिन होता है कंडेंस्ड मिल्क का, आपने वो ऐड करना है। मैंने 1 कंडेंस्ड मिल्क, साथ में 4 टेबलस्पून शुगर इसके अंदर ऐड किया था। शुगर मैंने इसलिए ऐड किया कि कंडेंस मिल्क मेरे पास इतना ही था और मुझे लग रहा था कि थोड़ा मीठा जो है ज़्यादा होना चाहिए। आप अपना मीठा के हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितना मीठा चाहिए। 1 पूरा कंडेंस मिल्क का टिन था इसके अंदर, 3 to 4 टेबलस्पून इसके अंदर शुगर ऐड की थी मैंने। और इसको और अच्छे से पकाएं जब तक ये प्रॉपर अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप चीनी या कंडेंस मिल्क डालेंगे तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा फिर से। इसको फिर अच्छे से पकाएं और इसके जो गाढ़ा होने का वेट करें। मैंने क्योंकि क्रीम डाली थी तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर विस्क चला दिया ताकि जो कोई लम्स ना बने, कोई चीज़ एक दूसरे के साथ। आप इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे, जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा बनेगा। साथ साथ चमचा इसके हिलाते रहें। उसके बाद इसके अंदर मैंने बादाम डाले हैं, तोड़ के बादाम डाले हैं छिलका उतार कर। कुछ बादाम मैंने ऊपर ड्रेसिंग के लिए रख लिए थे कि ऊपर बाद में डेकोरेट करूँगी। इसको अच्छे से पकाएँ, उसके बाद बस इसको डिशेस में सर्व कर लें। थोड़ी देर इसको तकरीबन 10 से 15 20 मिनट बाहर रखें और बाद में फ्रिज में रख दें। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान होता है, बस टाइम बहुत ज़्यादा लेता है गजरेला, और बहुत ही मज़े का बनता है। और स्पेशली ये लाल गाजरों का बना था, जो पाकिस्तानी गाजरें होती हैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो उसका बना था। उसके बाद हमारा प्रोग्राम था बाहर आउटिंग का, कुछ हम मॉल वगैरह में गए। आजकल का तो ये सिस्टम तो ये कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले की वीडियोस हैं, तो अब तो फिर से दोबारा थोड़ा फ्लाइट्स जो हैं बंद हो गई हैं, फिर से दोबारा सख्ती हो रही है क्योंकि यहाँ पर केसेस थोड़े से पहले से थोड़े भर गए हैं, ज़्यादा नहीं भरे, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत एहतियात कर रहे हैं। और जो भी प्ले एरिया और जो सब कुछ है वो उन्होंने फिर से बंद कर दिया है। मॉल्स वगैरह जा सकते हैं, लेकिन वही सब कुछ कि आपको अपना खुद ही ख्याल करना है। तो अब तो ज़्यादा बाहर भी गैदरिंग भी उन्होंने थोड़ी कम कर दी है कि 20 लोगों से ज़्यादा घर के अंदर ही से ज़्यादा बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते। और बाहर तो आप बिल्कुल अपनी फैमिली के अलावा ना ही किसी के साथ जाएं। रेस्टोरेंट्स बंद कर दी हैं, आप लोग डिलीवरी करवा लें या वहीं से बाहर से ही लेके आ जाएं, तो काफ़ी सख्तियाँ हो रही हैं। खैर, यहाँ पर हम लोग का कैफ़े पे जाने का प्रोग्राम था, तो हमें कोई ख़ास कैफ़े यहाँ पसंद नहीं आया। यहाँ पर ज़्यादातर ना सऊदी टाइप कैफ़े थे, जहाँ पर हर चीज़ ज़रा सऊदी स्टाइल की मिलती थी। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफ़े ये कोविड की वजह से बंद हो गए हुए हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब आगे 2 महीने में रमज़ान आने वाले हैं, तो हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ना करे कि वो दोबारा पुराने वाला वक़्त आए। पिछला जो रमज़ान था घरों में बिल्कुल बैठ के बंद होके गुजरा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा सब खैरियत ही रहेगी, बस यही दुआ है हमारी। खैर, हम लोग टिम हॉर्टन्स में गए। मैं पहले कभी नहीं मैं गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डोनट लवर नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ कभी कभी,
मीठे के मामले में मैं बहुत ही देसी किस्म की बनती हूँ, मुझे वही अपने पुराने जो ओल्ड फैशन मीठे हैं, गजरेले, फिरनियाँ, खीर, गाजर के हलवे के पसंद हैं, केक्स वगैरह। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा केक्स बनाती हूँ लेकिन मैं खुद ज़्यादा शौक से नहीं खाती, तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है आजकल, वो बहुत शौक़ से खाते हैं, उन्हें चाहे रोज़ आप डोनट्स खिला दो, कॉफ़ी पिला दो। मैं कॉफ़ी भी बहुत कम पीती हूँ, आजकल मौसम अच्छा है तो आजकल अक्सर पी लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी डोनट्स की और अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। एक और बात मैंने आपसे करनी कि पीछे मैं काफ़ी ज़्यादा कम मैंने वीडियो डाली, ऑलमोस्ट 10-12 दिनों के बाद ही वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि पिछले पूरे साल से मैं वीडियोस डाल रही हूँ और म्यूज़िक भी ऑलमोस्ट मेरा एक आध शायद बदला है, वही म्यूज़िक मैं ऐड करती हूँ अपनी वीडियो में, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हालाँकि मैंने जब वो चूज़ किया था तो वो नो कॉपीराइट था, फ्री वीडियो था, सॉरी फ्री म्यूज़िक था, लेकिन अब मुझे उस पर बहुत ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम आ रहे हैं, मेरी पिछली सारी वीडियो पर बार बार आते हैं, मैं बार बार उनको रिमूव करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो हिस्सा म्यूट हो जाए, जिसकी वजह से मेरी रेसिपी, बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं शुरू की, 2-4 ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनमें म्यूट की वजह से उनकी साउंड नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से वो वीडियोस बना के डालूँ नए म्यूज़िक के साथ। और आपसे ये एक चीज़ पूछनी थी कि आप लोग अपना जो नो कॉपीराइट म्यूज़िक होता है वो किधर से लेते हैं, मुझे उसका कुछ समझ ज़्यादा नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो बस पिछले काफ़ी दिनों से मैं कॉपीराइट क्लेम्स ही हटा रही हूं, इस वजह से भी थोड़ा इंसान तंग पड़ जाता है ना कि इतने अरसे से आप काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपके साथ कोई ना कोई मसला चला रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल वीडियोस डालना बंद कर दी थी और बस चिल कर रही थी। खैर ये हम लोग बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे आए थे और ये मेरा बहुत फेवरेट जगह है, मुझे बहुत पसंद है और मैं ऑनलाइन भी यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। अभी मैं आगे जाके आपको अपना एक बाथ एंड बॉडी का हॉल दिखाऊंगी और मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं आपके साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर करूं, कोई हॉल शेयर करूं, सो अब मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में मैं शेयर करती हूं आपके साथ। आजकल बहुत अच्छी सेल्स लगी हुई हैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे, तो बस मुझे होता है ये साल में एक ही ऐसी सेल होती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बस मुझे होता है कि जितना ख़रीद सकती हूँ ख़रीद लूँ कि शायद दोबारा ना ये सेल लगे, तो इसलिए कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें ली जाती हैं। और दूसरा ये भी होता है कि आप गिफ्ट्स भी कर सकते हो, क्योंकि इनकी हर चीज़ की स्मेल्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही कोई कम ऐसी चीज़ है जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है, तो गिफ्ट करने के लिए भी अच्छा है और घर में भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले कभी मैंने इनके हैंड सैनिटाइज़र्स नहीं मंगवाए थे, लेकिन कोरोना की वजह से, थैंक्स टू कोरोना के अब इनके हैंड सैनिटाइज़र्स मैंने मंगवाए, तो सबसे बेस्ट इनके हैंड सैनिटाइज़र्स हैं। बाकी हैंड सैनिटाइज़र्स को हाथ पे लगा के लगता है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाके बैठ गए, इतनी बुरी उनकी स्मेल्स होती हैं, लेकिन इनकी स्मेल्स इतनी अच्छी हैं कि आप इजीली आप यूज़ कर सकते हो, आपके हाथ ख़राब नहीं होते। तो आई होप आपको आज की रेसिपी और मेरा ये शॉपिंग हॉल पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।